गाइस गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे हो। तो बहुत दिन से जो मेरा डेली ब्लॉग था वो मैंने फिर से स्टार्ट कर दी। तो अभी से मैं डेली ब्लॉग करूंगी इधर, जितना दिन हूँ अभी तक। तो बाय द वे, आज हमने बनाया चिकन करी और राइस लंच के लिए, और यहाँ पे आके मैं बहुत वेट गेन पुट ऑन कर ली। इसका एकमात्र कारण है वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में सब कुछ इतना सस्ता मिलता है ना, तो खाने का चीज़ हो, कहीं पे जाओ घूमने के लिए, उसका प्राइस बहुत कम है। तो इसलिए हम लोग इधर आके मतलब डाइट पूरा भूल गए। डाइट भूल के राइस प्यारे हो गए हमारे। तो राइस मतलब राइस के साथ फिश बोलो, तो फिश इधर बहुत सस्ता में मिलता है। फिश, चिकन, सब्जी वगैरह और मैंगो। इस साल इतना ज़्यादा मैंगो खाया हमने। तो बताओ मत, क्योंकि इधर प्राइस बहुत कम है। 10 रुपीज़ में 1 किलो मैंगो मिल जाता है। तो जो बात मैं बोल रही थी, तो मैंगो इतना कम प्राइस है, तो 10 रुपीज़ में 1 केजी मैंगो मिल जाता है इधर। और फिश वगैरह सब कुछ सस्ता है, तो सस्ते के वजह से हम लोग इतना खाना खा लिया इधर और वेट गेन कर ली। तो खाना ज़्यादा खाने की वजह से मतलब वेट गेन कर लिया। और यहाँ पे जो रेस्टोरेंट का कॉस्ट है, रेस्टोरेंट में कहीं पे जाओ रेस्टोरेंट में खाना खाओ, तो उसका भी प्राइस बहुत ज़्यादा कम है। तो उसकी वजह से यहाँ पे आके मतलब लॉकडाउन थोड़ा सा जब बंद हुआ था, मतलब उठ गए थे लॉकडाउन, तो उस टाइम में हम दोनों मिलकर रेस्टोरेंट जाके खाना खा लिया। तो उसका वीडियो मेरे बंगाली चैनल में है, तो हिंदी में मैंने उस टाइम ब्लॉग नहीं बना रही थी, इसलिए इस चैनल में नहीं है। अगर आप देखना चाहते हो, हम लोग इस लॉकडाउन जब थोड़ा सा उठ गए थे लॉकडाउन, तो उस टाइम में हम लोग कहाँ कहाँ गए, कहाँ घूमने गए, कौन सी रेस्टोरेंट पे गई थी खाना खाने के लिए, तो आप लोग मेरी जो चैनल है बंगाली चैनल, उसमें जाके एक बार देख सकते हो। तो लॉकडाउन के टाइम पे हम लोग जब आए थे इधर, तो उस टाइम से हम लोग अभी रेंटेड हाउस में हैं। और बाय द वे, रेंटेड हाउस इतना कम प्राइस में मिला है ना, तो इधर सब रेंटेड हाउस ही कम प्राइस में मिलता है। तो ये जो रेंटेड हाउस है, इसमें 2 रूम है, मतलब 2 BHK है, और इसका रेंट प्राइस है ओनली 3,500। तो यहाँ पे रेंट कम है। जहाँ पे रह रही हूँ, तो इस जगह से शॉप है, बाजार है, जो इधर है मार्केट है, तो बहुत पास में है, तो इसलिए, और गाड़ी पार्किंग का एक स्पेस मिल गया, तो इसलिए हम लोग इधर ही रेंटेड हाउस में रह गए। तो अभी ये देखिए मेरा हैप्पी, छोटू सा हैप्पी, जिसको मैंने मतलब जब उसका 1 ईयर नहीं हुआ था उस टाइम में लेके आए, मतलब 1 ईयर हो गए थे, हाँ हो गए थे, तो उस टाइम में लेके आए। तो अभी देखिए ये बहुत बड़ा हो गया, और इसका अभी उम्र 2 साल हो गए। हैप्पी हैप्पी अभी सो रहा है। तो हम लोग जो रेंटेड हाउस में है अभी, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सामान इधर उधर फैला हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों के पास कुछ नहीं है, नहीं कोई बेड है, नहीं कोई चीज़ सामान है, मतलब सोफा है, फ्रिज है, कुछ नहीं है। और ये जो टीवी देख रहे बैकग्राउंड है मेरे, ये टीवी भी मेरे भैया ने दिया है तो देखने के लिए, तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, अभी जाने के टाइम उसको देख के चले जाएंगे। और वेस्ट बंगाल में रहने की वजह से हम लोगों का एक आदत हो गया, बुरा आदत बोल सकते हैं, कि यहाँ पे जो सामान का चीज़ है वो बहुत कॉस्ट कम है। तो वहाँ पे जाके मतलब बेंगलोर में जाके हम लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो फर्स्ट टाइम जब हम लोग बेंगलोर में गए थे, तो उस टाइम जैसा प्रॉब्लम हुआ है हम लोगों को, कि सामान का चीज़ इतना मतलब कोई चीज़ इतना दम है, मतलब कॉस्ट ज़्यादा है इधर से उधर, तो वही प्रॉब्लम फिर से हम लोगों को होने वाला है। रहना है बेंगलोर में तो वेस्ट बंगाल का आदत तो छोड़ना ही पड़ेगा। ये है हमारे रेंटेड हाउस का गेट, तो यही सामने है हमारे कार, तो देख सकते हैं, तो कार इधर 1 ईयर से खड़ा है। और यहाँ पे जो गार्डनिंग है देख सकते हैं, तो एक छोटा सा रिसोर्ट जैसा है यहाँ पे। ये मैंगो ट्री में इस साल बहुत सारे मैंगो हुआ था, तो वो बहुत सारे मतलब बोल नहीं पाएंगे, तो बंगाली वीडियो में वो है। और यहाँ पे भी एक मैंगो ट्री है,
देख सकते हैं। तो इसमें भी बहुत सारे मैंगो हुआ था उस टाइम पे। और ये है पपीता का ट्री। अभी बारिश के वजह से यहाँ पे पूरा देखिए कितना सा मतलब ज़्यादा पेड़ पौधे उठ गए। तो चलिए अभी मैं चलती हूँ घर के अंदर, तो जाके अभी लंच करना है क्योंकि लंच के टाइम होते जा रहे हैं तो मानव का ऑफिस भी स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए अभी मैं वीडियो को कर रही हूँ यहीं पे एंड। और मैंने इस वीडियो में हमारे फुल वन ईयर का जो जर्नी था वो मैंने थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को बता दिया ताकि आप लोगों को आसान हो। मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूंगी तो आप लोगों को समझ में आएगा कि हम लोग कहाँ पर है, क्या क्या चल रहे हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में। तो मानव के साथ मैं आप लोगों को बाद में मिलाऊंगी। तो मानव अभी चले गए बाहर वो मतलब वॉशरूम में गए, खाना खाएंगे ना तो इसलिए वो नहाने के लिए गए। तो चलिए मैं वीडियो कहीं पे कर रही हूँ एंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।